अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है इब्तिहाज और आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं काफ़ी स्पेशल चीज़ की। मैं काफ़ी अर्से से कोई एक ऐसी चीज़ चाह रहा था अपने पीसी और टेबल के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड टू फंको पॉप हो, तो मैंने वही चीज़ दराज पे देखी। फंको पॉप वैसे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन दराज के ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा एक नॉमिनल प्राइस में मिल गया था, तो फिर मैंने दराज से वो मंगाया और अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो पैकेज जो मुझे दराज से रिसीव हुआ है। अच्छा, इस पैकेज की ख़ास बात यह है कि ये जो पैकेज है ये दराज ओवरसीज से शिप हुआ है। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में नहीं था इसका सेलर चाइना में था, तो वहाँ से मैंने इसको इम्पोर्ट कराया है। इसको आने में लगभग 2 हफ्ते लग गए हैं। ये तो जल्दी आ जाता लेकिन कराची में जो बारिश की वजह से सूरत हाल थी और मुहर्रम था उस वजह से थोड़ा डिले हो गया। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको अनबॉक्स करने के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि फंको पॉप वैसे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन ये फंको पॉप मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल प्राइस में मिल गया। तो आप चल के देखते हैं कि क्या ये ओरिजिनल फंको पॉप है और ये वही चीज़ है जो मैंने मंगाई थी। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द अनबॉक्सिंग। सो गाइस, दिस इज़ द पैकेज और अब मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको बहुत इसको अनबॉक्स करने के। तो आइए बिस्मिल्लाह करके इसको खोलते हैं और देखते हैं कि क्या ये ओरिजिनल फंको पॉप है या नहीं। वैसे डब्बा ज़्यादा डैमेज हो गया है, उसका रीज़न ये है कि ये दर्शी पता है चाइना से आ रहा है, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इनको कहता था कि बॉक्स में भेजते इंस्टेड ऑफ दिस रैपिंग, बट कोई बात नहीं। अब अंटल अंदर हमारे पास चीज़ साबित होगी तो वो ये देखिए, ये रहा हमारा और ये ओरिजिनल। आई थिंक दिस इज़ ओरिजिनल। यार मैं पता नहीं पा रहा कि ये ओरिजिनल है या नहीं। डब्बा आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, इसको होना भी चाहिए था क्योंकि अगर ये अलग तरीके से बॉक्स में होता तो नहीं होता इतना डैमेज। खैर अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये है हमारा ये फंको पॉप, मैंने थॉर का मंगाया था, ये थॉर लिखा हुआ। आई थिंक दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल वन, बट फिर भी अगर ये कॉपी भी है तो कॉपी भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। या दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल वन, लेकिन फ़िलहाल इस प्राइस में हमें एक अच्छा फिगर मिल गया अपने केसिंग में मुझे रखने के लिए, तो ये बुरी बात नहीं है। अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये इसकी फ्रंट है, साइड पर हमारे पास ये थॉर बना हुआ है, बैक साइड पर हमारे पास कुछ और कलेक्टेबल्स हैं जिसके अंदर आयरन मैन भी है, स्पाइडर मैन, कैप्टन अमेरिका और ग्रूट, थैनोस, ब्ला ब्ला ब्ला, और यहाँ पे भी ये थॉर 286 है। तो यहाँ पे फंको की ब्रांडिंग है यहाँ पे बेसिकली, और अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये भी फंको की है लेकिन आई डोंट थिंक ये ओरिजिनल है। तो आप इसको चल के ज़रा ओपन करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, जैसे एक अवेंजर का ये भी एक बैकग्राउंड भी है, तो रखते हैं साइड में, हम इनके रख देता हूँ। ये है, सो दिस इज़ द थिंग। ये है हमारे पास थॉर, मैं ज़रा अगर फोकस कर दूँ इसके ऊपर तो ये देखिए ये है थॉर। फिनिशिंग वाइज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। अगर ये ओरिजिनल फंको पॉप नहीं भी है लेकिन फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस प्रोडक्ट से, क्योंकि जो इसकी प्राइस थी और जो इसकी अभी फिनिशिंग है और जो फील है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और बेहतर लग रही है। जाहिर सी बात है ये चीज़ें खेलने के नहीं होती कि आपने बच्चों को दे दिया उससे खेल रहे हैं, उनके हाथ बात मूव कर रहे हैं, ये ऐसा ये कलेक्टेबल्स ही होते हैं और ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए रखने के तौर पर काम आते हैं। इसको मैं सोच तो ये रहा हूँ कि इंशाल्लाह अपने पीसी में रखूँगा, जिसके जब मैं इसको ग्लास टेम्पर्ड ग्लास उसको देखूँगा तो काफ़ी अच्छी फील आएगी। तो यार आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट और काफ़ी ज़्यादा अच्छा, बिल्कुल ज़रा फ़नी सा थॉर लग रहा है, बल्कि अगर मैं इसको यहाँ पे भी अपनी डेस्क पे भी रखना चाहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी और प्रीमियम। तो नाजरीन ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंटल दें, अल्लाह हाफ़िज़।